नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए आज एक इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए हैं। हम देख रहे हैं कि हर रोज डे बाय डे हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी जनरेशन पे प्रिंट मीडिया का, सोशल मीडिया का बहुत ही जो ना नकारात्मक परिणाम मिल रहा है। इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमारी कोशिश रहती है कि हम कुछ पॉजिटिविटी अपनी जनरेशन के अंदर डालें, कुछ मोटिवेशनल वीडियो दें। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस तरह की जो वीडियो हैं उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इसी कड़ी में आज एक नई वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। वेट कीजिए, ये हर टचिंग स्टोरी है, आपके हृदय को छूने वाली स्टोरी है। इसमें एक बार क्या होता है, एक राजा है, वो अपने मंत्री के साथ प्रजा भ्रमण के लिए निकलता है। बाहर एक गांव में देखता है कि एक झोपड़ी के अंदर एक गरीब है कोई, उस झोपड़ी के अंदर मियां बीवी और दो बच्चे रह रहे हैं। उनके हंसने खेलने की आवाजें सुनाई दे रही हैं, हंस रहे हैं। तो राजा कहता है कि मंत्री, ये तो मुझसे भी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहा है, खुश नजर आ रहा है, इसकी खुशी के पीछे कारण क्या है? तो मंत्री कहता है कि ये 99 के फेर में नहीं है जनाब। राजा कहता, 99 का फेर? बोले वो क्या है? बोले आप मेरे को 99 सोने के सिक्के दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि 99 का फेर क्या है। अब रात को वो मंत्री क्या करता है, वो 99 सिक्के उसकी दहलीज पे रख देता है। सुबह वो झोपड़ी का मालिक उठता है और देखता है कि अरे वाह, मेरे घर के बाहर सोने के सिक्के। गिनती शुरू करता है, 1, 2, 3, 4, 95, 95, 96, 98, 99। उसको विश्वास नहीं हुआ, उसने सोचा कि हो ना हो 99 नहीं 100 गए। उसने रिकाउंटिंग शुरू की, दोबारा गिनती शुरू की, लेकिन थे कितने? 99। अरे राजू इधर आ बेटा, उसने लड़के को बुलाया, गिन कितने? उसने गिने 99। उसने एक चाटा मारा उसको, हराम को कितनी है तेरे को, भैया इधर आ बेटा। उसने लड़की को बुलाया, लड़की ने गिना कितने? 99। एक चाटा उसने उसको भी लगा दिया। बच्चे रो रहे हैं। वो अपनी बीवी से कहता है कि इन सिक्कों को आप अंदर रखो, मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए, एक सिक्का और ले जाता हूँ कमा के, तब तक इनको सेफ रखना है, महफूज रखना। वो बाहर निकलता है, पीछे से साल भर बाद वापस लौटता है तो उसकी घरवाली ने जो घरेलू खर्चे हैं उसको, उसके लिए एक जो सिक्का था वो खर्च कर दिया। उसने आगे पूछा तो उसने बताया कि एक सिक्का तो खर्च हो गया। उसने उसको पीटना शुरू कर दिया। बच्चे रो रहे हैं, वो उसको पीट रहा है, उसकी औरत रो रही है। उस तरफ मंत्री कहता है कि चलो जनाब देखते हैं, प्रजा का हाल क्या है। राजा और मंत्री उसी झोपड़ी के सामने आते हैं और अंदर से रोने की आवाज आ रही है, वो उसको पीट रहा है। तो राजा पूछता है, मंत्री इतनी जल्दी कैसे बदल गए इनका माहौल? तो बोला कि ये 99 के चक्कर में फंस गए। अगर इन्होंने ये नहीं देखा कि तुम्हारे पास 99 है, इन्हें सही जगह खर्च करें। उन्होंने जो चीज अपने पास थी उसको नजरअंदाज कर दिया और कमाने के चक्कर में, उसको शो करने के चक्कर में फंस गए। ऐसा ही हमारे जीवन में भी हो रहा है। जो चीज हमारे पास है हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसके पीछे भाग रहे हैं। और इस भागदौड़ की जिंदगी में जो खुशी है वो हमसे दूर चली गई काफ़ी दूर। इसलिए सभी साथियों से, सभी दोस्तों से, सभी कमाने वालों से निवेदन है कि लर्निंग एंड अर्निंग बोथ आर डिफरेंट। कुछ समय कमाने के साथ साथ अपने परिवार को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए। समय पैसे से ज़्यादा कीमती है, 99 के चक्कर में मत पड़िए। जो चीज़ है, जो आपके पास है, उसी में संतुष्ट रहना सीखिए। धन्यवाद।